Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and Decision Making. This is module number 107, and we are going to talk about teaching smart people how to learn idea in brief. When we talk about smart people, we are talking about the followers who are having the right set of capabilities, and the leader is there to explore those capabilities in a rightful manner. In this Surate Hal a leader कोशिश करनी है कि वो लोगों के साथ ऐसा जिस में कि लोगों में कैपेबिलिटी क्रिएट करें प्रॉब्लम सॉल्विंग की एंड इट कैन बी सिंगल लूप लर्निंग प्रस्पेक्टिव एट द सेम टाइम उनमें कैपेबिलिटी पैदा करें कि वो एज्शन को चैलेंज भी कर सकें जो एज्शन हम Pick करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स जिसको कि हम डबल लूप लर्निंग का नाम भी वो देंगे सो डबल लूप लर्निंग में नो डाउट द पीपल आर देयर टू वैलिडेट द द पीपल आर देयर टू वैलिडेट क्या प्रोसीजर्स वो एडॉप्ट किए गए टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए वो उस एज्शन को चैलेंज भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम रिमेंबर वन थिंग दैट वन मस्ट लर्न फ्रॉम द फेलियर हमें यह बात भी समझनी पड़ेगी और सोचनी पड़ेगी कि लोग गलती करेंगे और जो चीज वो अपनी गलती से सीखेंगे वो अदरवाइज नहीं सीख सकते देअर फोर हमें इनक्रेज करना चाहिए कि देर शुड ऑलवेज बी एन एन्वायरमेंट ऑफ लर्निंग चाहे वो मिस्टेक हो उससे भी हमें लर्न वो करना चाहिए और लर्न में हमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को भी रखना पड़ेगा कि अगर कोई शख्स फेलियर कर रहा है तो वो लर्न करने की कैपेबिलिटी तभी रखेगा अगर हम उसके फेलियर को बहुत ज्यादा पिन पॉइंट और पिनलाइज वो ना करें बिकॉज इन द स्टार्ट पीपल लर्न थ्रू मिस्टेक्स और उन मिस्टेक से जो चीज सीखी होती है वो लॉन्ग टर्म इंसान की लर्निंग में उसके परमानेंट चेंज इन बिहेवियर में वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है एट द सेम टाइम वन मस्ट नॉट कम अप विद द ब्लेम गेम बिकॉज ब्लेम्स जो अपने वो कोई फायदा नहीं पहुंचाते हमें सोल्यूशन की तरफ जाना है हमें मसलों के हल को आइडेंटिफाई करना है बजाय इसके कि हम ब्लेम गेम में इन्वॉल्व अपने आप को कर लें नाउ वेन वी आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग हाउ टू रीजन प्रोडक्टिवली उसके हाल ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि द कंपनीज शुड टीच पीपल टू रीजन इन ए न्यू वे ताकि लोगों के पास लॉजिक्स हो लोगों के पास एक्सप्लेनेशन हो कि वो क्यों कर किसी काम को परफॉर्म वो करें और ऑर्गेनाइजेशन भी अपने ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट क्यों सेट कर रही है सो so, नए प्रस्पेक्टिव देना नए एवेन्यूज पर लोगों को लेकर आना यह ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होगी नंबर टू वी हैव टू बी केयरफुल के पीपल आर टॉट वेन दे आर रिक्नाइज एंड एनकरेज रीजनेबली और पर्टिकुलरली जब हम उनके एक्शंस को मटेरियलाइज करने के लिए सपोर्ट करें और हम उनको ऐसे मौाक़ प्रोवाइड करें कि जिसमें वो अपनी कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट वो कर सकें इसी तरह रिमेंबर अनदर इंपॉर्टेंट थिंग पीपल कैन लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशनल डिफेंसिस ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ कंडीशन एंड कंस्ट्रेंट्स होंगे उन कंडीशन एंड कंस्ट्रेंट्स को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए बिकॉज नो वन इज परफेक्ट नो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इज परफेक्ट तो हर जगह पर कोई ना कोई डेफिशिएंसीज वो होती हैं। कल्चरल डेफिशिएंसीज होती हैं। करना शेयर करना और लोगों को इस बात का यकीन दिलाना कि द देयर फॉर देयर सपोर्ट ये जरूरी होगा एनर इंपॉर्टेंट थिंग हमें जॉब्स को नए तौर पर डिजाइन करना होगा हमें उनको ज्यादा एनरिच बनाना होगा हमें उनमें ऐसे करेक्टरिस्टिक्स लेकर आने होंगे जिन करेक्टरिस्टिक्स से लोग साइकोलॉजिकली अपने आप को इन्वॉल्व फील करें उन जॉब्स के साथ फॉर एग्जाम्पल देर इज ए वेरी फेमस मॉडल नोन एज जे सी एम जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल जिसमें कि हम स्किल वराइटी टास्क रेनेटी टास्क सिग्निफिकेंस अटोनोमी फीडबैक इन पॉइंट्स को यूज करते हैं एक जॉब को ज्यादा एनरिच करने के लिए ज्यादा बामाइनी बनाने के लिए

शेयर करने की बिकॉज जब तक ऑर्गेनाइजेशन अपने इंप्लॉइज के साथ राइट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे द पीपल वुड नॉट बी एबल टू कम अप विद देयर इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट थैंक यू